पापा की और किस किस की याद आ रही है? पापा की और मदर दीदी की और माँ दी की और कल्ला दीदी की और तो पापा तो यहाँ है ही आपके साथ पास में, और विशाल भाई की और बिट्टू भाई की सब की याद आ रही है। पापा की फिर क्यों आ रही है? पापा तो आपके पास ही हैं। और जीसा की, जीसा की आ तो रही है, लेकिन पापा की क्यों आ रही है? पापा तो पास ही हैं। पापा तो दूर हो गए। दूर कहाँ हो गए? तो यहाँ कौन है? चाचा जी। यहाँ तो मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, कल परसों दीदी पापा को बोल रही थी, मामा जी ये कौन सा काम करना है, तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है, मामा जी मुझे क्या काम करना है। देख लो जी, ऐसा कलाकार है ये तो। है? दिखाओ। पढ़ाई कर ली पूरी आपने? पढ़ाई कर ली। होमवर्क कर लिया स्कूल का? कर लिया, बस पापा का होमवर्क नहीं किया। मेरा नहीं किया, पापा का नहीं किया, मतलब आपका। मैं आपका भी मुंह बनाऊंगा, लोबोट। आप लोबोट हो, मैंने लोबोट भी बना रखा है इसमें। अच्छा, लोबोट हूँ मैं। अच्छा, देखो कैसी लग रही है मेरी ड्राइंग। बहुत अच्छी लग रही है भाई। सिवान साहब के लिए तो है ना, एक कमेंट भी आया था, नाम मेरे को याद नहीं है। उन्होंने कहा था आपके लिए बहुत सारे उन्होंने गिफ्ट लेके रखे हुए हैं। थैंक यू नहीं बोलोगे उनको? आप ही कर लो, आप ही कर लो जी। इस कलाकार के तो ये मजे हैं। ये पहले गांव में रहते थे, तब भी बिट्टू, राखी, कल्ला, गमंडी सब मेरे को चाचा बोलते थे। तो आज आपने अपने मुंह से सुन लिया है, इसके मुंह से, अपने कानों से। ये अभी मेरे को समझ लो कब से फिर से, क्यों परसों आए थे वो, तब से वो चाचा चाचा कर रहे थे, ये भी चाचा ही करने लग गया है। हैं? हाँ बोलो। और ये इतने प्यार से चाचा जी बोलता है, कसम से, मतलब मन खुश हो जाता है। क्या है बाबू? बाबू सभी दोस्तों को सुबह सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग। देखो शायद आपके पास आवाज़ आ रही होगी, कोयल बोल रही थी बहुत सॉरी। देखो बहुत मीठी बोलती है ये, इस टाइम पे लगभग रोज ही बोलती है। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, निमण प्रणाम, राधा स्वामी, सलाम मालिकू, जय हिंद और जय भारत। तो आज अभी से थोड़ा सा मतलब व्लॉग स्टार्ट किया है, सुबह से किया ही नहीं था, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए। अब देखते हैं श्रीमती जी क्या कर रहे हैं अंदर चल के। क्या कर रहे हो? मांडा बनाऊं, मांडा। मांडा, ये कुर्ता ढीला ज़्यादा आ गया यार, इसकी फिटिंग करवानी पड़ेगी। वैसे तो सही है लेकिन ढीला ज़्यादा है। और ये बन रही हैं रोटियाँ, पराठा बना रहे थे आप तो? लास्ट में बनाऊंगी दो पराठा, सुबह बाल का बच्चों को जो ब्रेकफास्ट दिया था ना, जैसे ब्रेकफास्ट क्या लंच दिया है, टिफिन पैक करके, देखो मैं कैसे बैठी हूँ मुड़ के, लंच दिया है ना, उसके लिए मसाला तैयार किया था मैंने, दो आलू बॉयल किए थे, उसमें दो प्याज काट ली थी, तो दो ही पराठे बच्चों को बना के दे दिए, दो पराठे का बच गया ये। तो जी आ जाओ खा लो आलू के पराठे मजेदार। अब ये दो पराठे मैं एक शर्मा जी को दे दूंगी, एक मैं ले लूंगी, चारों का एक एक हो गया। और ये पता है आज क्या कर रहे थे? ये यूं कह रहे थे, आप लोग है ना वो थे ना, क्या बोलते हैं, कमेंट्स करना, बताना कि ये बात इनकी सही है कि गलत है। ये कह रहे हैं मुझसे थोड़ी हल्की कर लूं, क्योंकि एक दो कमेंट आया होगा आप में से, आप लोग कमेंट करना, बताना कि मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। हल्की मैंने कर ली, बहुत ज्यादा बड़ी लंबाई में ज्यादा हो गई थी, इतनी हो रही थी, इतनी हो रही थी सच में, बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर मैंने देखा कि हल्की हल्की इतनी ही अच्छी लगती है, उससे ज्यादा बड़ी हो जाती है ना तो सही नहीं लगती ना, सच बताना। एक चीज और बताऊं आप लोगों को, ये तो ऐसे सोचती है कि हाँ बुड्ढा बुड्ढा गंदा है, हकीकत हकीकत बताती हूँ, ये जितना आप लोगों की बात मानते हैं ना, मेरे ख्याल से किसी की बात नहीं मानते, मतलब आपके एक एक कमेंट का जवाब ये रातों बैठ कर देते हैं आप लोगों को, इतना मानते हैं ये लोग ये, और फिर भी आप लोग इनको सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा है, सब्सक्राइब की क्या जरूरत है, प्यारे प्यारे कमेंट आ जाते हैं, साफ व्यूज ज्यादा है आपका, सब्सक्राइब
सब्सक्राइबर कम है तो व्यूज ज्यादा है ही मेरे, इसमें क्या शक है। तो व्यूज जितने हैं वो सब सब्सक्राइब करके देखे तो आपको पता चले ना कि कितनी फैमिली। कोई बात नहीं यार, हो जाता है सब। और आज लेके आएंगे कील, इनके अंदर मंदिर सेट नहीं हो रहा। कील तो मैंने उसी दिन लगवा ली थी, लेकिन वो एक तो भाई थे, एक उनके साथ छोटू और था, और उसने लगाई भी सही थी मंदिर लगा के, लेकिन उसमें हुआ क्या कि मतलब ये इनकी जो ये है ना आगे वाली, ये ज्यादा बड़ी है जो कि उसके अंदर नहीं घुस रही है। तो चलो कर दिया है वीडियो स्टार्ट, और कर देना सबके सब लाइक, मिलते हैं। तो जी देख लो, आप सुन रहे होंगे पीछे से मैंने चालू कर दिया था एकदम से, और ये मेरे से झगड़ रही है कि आप सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोलते। तो जी देख लेना, आपकी मर्जी है, अगर मूड बने तो बना लेना, नहीं मूड बने तो कोई बड़ी बात नहीं, चलेगा। सब अपना सबका दिल का कनेक्शन है, प्यार बहुत है अपन सब में, वो ही जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है सब्सक्राइब। और वैसे बता देता हूँ जिनको पता नहीं है, वो मतलब सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो अगर मतलब लाल रंग का हो तो उस पर अंगुली रखने से और वो काला हो जाएगा, होते ही अपना सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलो, उसका वैसे कोई चार्ज वार्ज नहीं है, देख लेना अगर मूड बने तो मेरा। ये बन गया है जी पराठा, और वैसे ये रेनू पहले बनाती थी ना, मतलब ये कम जलाती थी उसको, मेरे को थोड़ा थोड़ा जल जाता ना तब ज्यादा अच्छा लगता है, सच में झूठ नहीं बोलता। स्टफिंग देखो इसकी, उतर जाता है फिर दिखाऊंगी, पूरी तरह भरा हुआ है। जब ये अच्छे से मतलब तवे पे सिकना मत इस तरीके से हो जाता है, तब ज्यादा करकरा करकरा हो जाता है ना, तब अच्छा लगता है, मजा आता है खाने में सच में। और राबड़ी की रेसिपी शेयर करिए आप ना जी, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, रेसिपी शेयर कर दो। तो जी ये है राबड़ी, कल बनाई थी, आज रेसिपी शेयर करेंगे पक्का। ये अच्छा है घर की, अपना अपनी भैंस की चाय है, एकदम गाढ़ी खतरनाक वाली चाय है। तो जी आज अमिता यादव के हस्बैंड का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, भगवान उनका जीवन मंगलमय बनाए और हर प्रकार की खुशी प्रदान करे। कल परसों भी कमेंट आया था कि शर्मा जी इतनी मिर्च कैसे खा लेते हो, ये मिर्चें बच्चे भी खा लेते हैं। और सेकंड नंबर बात इनकी नहीं है, जो होटल में करते हैं वो भी ऐसे ही फ्राई करते हैं, ओ ढको ना, इनको ऐसे ढक के रखना पड़ता है क्योंकि वो मिर्चियां मतलब तेल कम डाला था रेनू ने। जितने भी होटलों में अपन खाना खाते हैं मिर्च फ्राई करते हैं ना, तो वो इसी तरीके से फ्राई करते हैं और बहुत टेस्ट हो जाता है इनका। ऊपर से मतलब निकाल के अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो इनको अभी प्लेट में निकाल लिया है, फिर नमक के साथ खाए जाएंगे ये। इनके ऊपर से थोड़ा नमक डाल देते हैं, मतलब रुक लेते हैं नींबू तो नींबू नहीं जोड़ लो। और अगर नींबू भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि आजकल बहुत महंगे हैं, तो हम इतने बड़े रईस नहीं है कि नींबू खाएं, क्योंकि 300 रुपये किलो मिलते हैं वो। तो होटल वाले क्या करते हैं, इसमें नींबू डालते हैं, नींबू डालने के बाद में इसके ऊपर से चाट मसाला डाल देते हैं, तो बहुत टेस्टी हो जाती है, बच्चे भी खाते हैं, गारंटी आप करके देख लेना एक बार। हाथ जला दिया होंगे मेरा, ये श्रीमती जी ने हाथ जलवा लिया, क्यों जलवा लिया, ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि अगर कहीं भी जल जाए किसी भी माता बहन के हमारे सामने, एक बार बहुत बड़ी ट्रेजेडी। देखो जी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जी रेनू का वो एक कौन सा कलर हो, उस कलर का दुपट्टा देख देख के हम बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बुरा मत मानना। तो मैंने बुरा नहीं माना, मैं इसको दो दिला के लाया हूँ, एक ये दूसरा और खोलो जी, दो चार और ला है शेयर भी आ लो, एक और वो खोलो दूसरे वालों, दो रुपया आएगा जेब में तो एक और लाऊंगी देख, और एक ही हो दो और ले लाऊंगा, दो लाए हैं। तो बताना कैसे हैं ये और कैसी मेरी पसंद है, मैं ही पसंद करके लाया हूँ दोनों, ठीक है जी। देख ये वाला, ये एक ये ले रही कौन कौन सा है, ये लहरिया में है वो फिरोजी, फिरोजी को नहीं वो ऑरेंज तो, कलर है ऑरेंज का फिरोजी की जवाब दो,
फिर अजीत हम कुर्ता पहन रखे हो सब नहीं है ये मैं मुखबाई के और इसने बोलता नहीं